जय श्री राधे, जय श्री राधे। इनको देख के याद आई एक घटना कल की। अरे कल भाई जामुन कौन लाए थे? हाँ, क्या नाम तुम्हारा? प्रदीप, बैठ जाओ। ये आए कल और इन्होंने कहा हम जाप गए थे दर्शन करने। जाप टेर कदम गए, वहां पर हमने जामुन तोड़ा पेड़ पर चढ़ के। तुमने कहा ऐसा क्यों किया, पेड़ पर कहीं गिरो? बोले नहीं, हमको बचपन में पेड़ पर चढ़ने का अभ्यास है। रख दिया और उसके बाद हमको इतनी भूख लगी, जबकि हमको इतनी भूख लगती नहीं है, सब जामुन खा गए। तो इसको बताने के तात्पर्य है कि सेवा से भगवत भगवान वश में हो जाते हैं। मनुष्य तो बहुत छोटी चीज है, अगर सेवा में भाव है, सेवा वाला जीता जरूर है। आज नहीं कल, कल नहीं परसों जीतेगा। ये हमने अनुभव किया, नहीं तो जामन दे करके हमने कहा ये हटाओ, सूखे सूखे से हैं, इनको नहीं खाएंगे। लेकिन वो खाने पड़े क्योंकि संध्या को और कुछ था नहीं, तो उसको मंगाया और सब जामुन खा गए। तो चौपाई याद आई, राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण संत श्रुति भाखी। वेद में लिखा है, पुराणों में लिखा है, संतों ने कहा है, श्रुतियों ने कहा है, साखी। ये चौपाई संख्या क्या है? 219। ठीक है, ये जब जामुन खा लिए तब ये चौपाई याद आई कि सेवक यदि भावना से सेवा करता है तो अवश्य जीतता है। यद्यपि और भी चीजें थी, सलाद वगैरह थे, लेकिन हमने कहा अब तो वही जामुन ही खाएंगे। ये बेचारे पेड़ पर चढ़ के तोड़े, तो सेवा वाला संसार को जीत लेता है, भगवान को जीत लेता है। राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर शाखी।
भगवान सेवा के अधीन है। देवराज इंद्र से कहा गुरु जी ने, बृहस्पति ने, चलो प्रसंग पकड़ते हैं अपना। और सेवक से कभी भी मनुष्य को द्वेष नहीं करना चाहिए। ये सब चौपाइयां मंत्र हैं, क्योंकि हम अनुभव करते हैं एक एक चौपाई अनुभव करते हैं तब कहते हैं। सुन सुरेश उपदेश हमारा, राम ही सेवक परम प्यारा। इंद्र चाहे तुम देवराज बन गए हो, लेकिन भूल जाओ कि हम देवराज हैं। भगवान सेवक से जितना प्यार करते हैं, वो किसी से नहीं करते। भगवान के सेवक से द्वेष करोगे तो नष्ट हो जाओगे। इंद्र जो अपराध भगत कर रही, राम रोष पावक सोच रही। हमने ये भी अनुभव किया, जो लोग द्वेष करते थे वो चले गए, सदा के लिए चले गए। भगवान की सेवा मत करो। मानत सुख सेवक सेवकाई, अयोध्या कांड 219। सेवक बैर बैर अधिकाई। तुम सेवक से बैर करोगे तो भगवान से बैर है। नहीं, ये चीज जी नहीं छोड़ता, परस्पर का राग द्वेष नहीं छोड़ता और दूसरों को भी नष्ट करता है। कि मैं द्वेष करता हूं तो तू भी द्वेष कर, सिखाता है। हमारे यहां कुछ ऐसा वातावरण पैदा हो गया है, कुछ लड़कियां दूसरों को सिखाती हैं द्वेष। और ये हम कितना भी उनका पक्ष करें, हम बहुत पक्ष करते थे कुछ लोगों का, लेकिन हमारा पक्ष बेकार गया। वे लोग चले गए बेचारे। इसलिए सबसे बड़ी भक्ति है राग द्वेष का त्याग। कल हमें बता रहे थे कि नारद जी ने कहा व्यास जी से कि तुमने बहुत साहित्य रचा, 17 पुराण रचे, महाभारत बनाया,
लेकिन वो सब नाम तो नहीं लिया उन्होंने। नयत वचश्चित्र पदम हरेर यशो जगत पवित्रम प्रगणीत कहचित। जिसमें भगवान का चरित्र नहीं है, चाहे कितनी सुंदर वाणी है, वो काक तीर्थ है, कौवे का तीर्थ है। मीठे ढंग से बुराई किया उन्होंने, कौवा क्या खाता है, थाक थूक गंदी चीजें, हंस मोती चुगता है, उसमें हंस नहीं जाएंगे, उन पुस्तकों में, उन वाणियों में। तद वायसम तीर्थम उशंति मानसा नयत्र हंसा निर्मंत्य शिक्षया। हंस कौन है? उशिक माने कमनीयम ब्रह्म। आचार्यों ने टीका लिखा है, क्षय माने निवास। भगवान की लीलाओं में आनंद लेने वाले उसी क्षय हैं। वे उस सात्यहित्य में और उन गुणों में कुछ भी रुचि नहीं लेते जहां भगवान की भक्ति नहीं है। एक पांच दस यहीं पर एक विचित्र श्लोक कहा नारद जी ने, एक पांच बारह, ये बहुत बड़ा महत्व का श्लोक है। बोले और वाणियों को तो लोग छोड़ देंगे, लेकिन नैष्कर्म को कैसे छोड़ेंगे? नैष्कर्म भी शोभा को नहीं पाता है यदि उसमें अच्युत भाव वर्जितम, भगवान का भाव नहीं है। नैष्कर्म माने निष्कामता रूप ज्ञान, नैष्कर्म कहते हैं। कहीं कहीं अर्थ किया गया है निष्कर्म माने ब्रह्म, और नैष्कर्म माने ब्रह्म ज्ञान भी। उसमें भी अगर भगवान के गुणों की रूप की प्रतीति नहीं है तो न शोभते। टीकाकार लिखते हैं निष्कर्म ब्रह्म तदेकाकारत्वात् निष्कर्मता रूपम नैष्कर्म्यम्। निष्कर्म कहते हैं ब्रह्म, और उससे एक होने के कारण नैष्कर्म माने ब्रह्म रूप ज्ञान। नैष्कर्म ज्ञान
अगर निरंजन भी हो गया है तो भी उसकी शोभा नहीं होती है। निरंजन क्या होता है? ज्ञाता, ज्ञेय, ज्ञान, ये तीनों उपाधियां जब नहीं रहती हैं तो उसको निरंजन कहते हैं। इसको समझना थोड़ा कठिन है। हम जान रहे हैं, जानने वाले हैं, ज्ञाता हैं। क्या जान रहे हैं? ज्ञेय है। जिससे जान रहे हैं वो है ज्ञान। ये तीनों चीजें संसार में रहती हैं। जैसे उदाहरण से समझो, किसी ने कहा तुम क्या पढ़ते हो? बोले हम एमए कर रहे हैं। किस सब्जेक्ट से कर रहे हो? बोले हिस्ट्री से। तो पढ़ने वाला ज्ञाता बोला गया, सब्जेक्ट हिस्ट्री है। क्या जानना चाहता है? बोले देश का इतिहास, अतीत भारत में क्या हुआ। ये तीन चीजें ज्ञाता, ज्ञेय, ज्ञान, ये तीन उपाधियां हैं। ब्रह्म से एकाकार होने के बाद अगर निरंजन ज्ञान है, उसको नैष्कर्म ज्ञान कहते हैं। अगर उसमें भी भक्ति नहीं है तो वो भी शोभा को नहीं प्राप्त होता। अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान मार्ग की साधना, मैं ब्रह्म हूं, अभेद भावना करता है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, यानी शरीर नहीं हूं, इंद्रिय नहीं हूं, मन नहीं हूं, बुद्धि नहीं हूं। हम लोग हर समय मैं शरीर हूं इसमें डूबे हुए हैं। इसलिए भगवान से दूर हैं। दूर नहीं, बहुत दूर हैं। यही बात तीसरे स्कंद में देवताओं ने भगवान सृष्टि में शुरू में भगवान की स्तुति में कहा, 3:16:43, यत् सानुबंधे असति देह गेहे ममाहम इत्यूढ दुराग्रहाणाम। अनुबंध क्या है? दो तरह के अनुबंध होते हैं, देह के और गेह के। अनुबंध माने संबंधी, जो बांधते हैं, और माने पीछे से बांधते हैं।
तो शरीर को बांधने वाले कौन हैं? मां बाप स्त्री पुत्र, इस ये शरीर के अनुबंध हैं। तीन पांच तैतालीस 43, तीसरा स्कंद पांचवा अध्याय 43। तो जीव को ऐसा बांध देते हैं ये शरीर के अनुबंधी हैं, ये हदा हमेशा से बांधते आए, किसी योनि में गए बंदर बने तो वहां बंदरिया मां बनती ही बांध देती है। कुत्ता बने तो कुतिया वहां दूध पिलाती है, बांध देती है। और हमने देखा कि कुतिया अपने बच्चों को नहीं काटती है, क्यों? अनुबंध है। मनुष्य को शरीर के अनुबंध कौन है? माता पिता स्त्री पुत्र भाई बंधु जितने अनुबंधी हैं। और शरीर के अलावा गेह माने घर के अनुबंधी क्या हैं? जमीन जायदाद, घर में रखने वाली चीजें, संपत्ति गहना, ये सब अनुबंध हैं। कहीं भी अगर ममाहम ये बुद्धि पैदा हो गई, यत सानुबंधे सति देह गेहे ममाहम इत्यूढ़ दुराग्रहाणाम, तो दुराग्रह मने हट है, छोड़ नहीं सकता, दुराग्रह छूटता नहीं है। उससे क्या नुकसान होता है? पुंसाम सुदूरम, एक दूर होता है, एक अत्यंत दूर होता है। भगवान अनंत काल के लिए दूर चले जाते हैं। दुराग्रह से, और दुराग्रह छूटता नहीं, कभी भी देख लो। दुराग्रह है क्या? दुष्ट आग्रह, दुष्ट विचारों ने आ मने समन्तात ग्रहण कर लिया, पकड़ लिया, उसको दुराग्रह कहते हैं। हमारे बाबा एक घटना बताते थे, लाला अब तो साधु लोग भजन क्या करेंगे तुम लोग? हमने देखा साधु लोग 5-5 लाख नाम जप करके फिर पानी पीते थे। वो हमको एक बार गिरिराज जी की परिक्रमा में कई संत दिखाए थे, देख लो अब ऐसे संत नहीं मिलेंगे आगे, एक भी नमूना नहीं मिलेगा। जितने नमूने मिलेंगे
देह के गेह के अनुबंधी लोग मिलेंगे, साधु बनने पर भी देह के अनुबंधी, ये हमारा शिष्य, हमारा चेला, हमारी चेली, ये अनुबंध होता है। बड़ी बड़ी जगह रहता है, यहां तक कि हमने सुना है प्रसिद्ध संस्था इस्कॉन है, वहां के प्रभुपाद जी थे, दूसरे व्यक्ति थे नारायण जी महाराज, उनके शिष्य लोग वहां नहीं जाते थे, उनके वहां नहीं जाते थे। ये ध्यानुबंध है। और इसी तरह से गेहानुबंध होता है, ये हमारा स्थान है, ये उनका स्थान है। एक टेम्पल वाला दूसरे टेम्पल में नहीं जाता है। ये बंबई में हमने सुना सम्मेलन में, बोले वो मंदिर वाले आ जाएंगे तो वो मंदिर वाले नहीं जाएंगे, जबकि देहानुबंधी गेहानुबंधी से भगवान दूर हैं। दूर माने बहुत दूर हैं, अत्यंत दूर हैं। लाखों जन्म ही साधन करोगे कुछ नहीं होगा। वसतो विपुर्याम, यहां नगर में रह रहे हैं भगवान, लेकिन बहुत दूर हैं। भजे म तत्ते भगवन पदाब्जम, दुराग्रह ही छूटता है, क्योंकि उसने चारों ओर से पकड़ लिया है। दुष्ट माने दूषित विचारों ने असमंता चारों ओर से तुमको ग्रहण कर लिया, तब दुराग्रह बनता है। किसी चीज में मैं और मेरापन, ये दुराग्रह है। ये सब लोग पढ़ते हैं और छोड़ नहीं पाते, क्योंकि आग्रह पकड़ लिया है, जैसे भूत लग जाता है, भूत नहीं छूटता। उसी तरह से जीव को ये दुष्ट हठ रूपी भूत पकड़ लेता है। हटाओ इसे, बार बार ऊपर नीचे करते हो, मत बोले तो मत बोलो। जीव इसको नहीं छोड़ सकता। ये तो तुम्हारी कृपा से ही छूटता है, इसलिए भजेम तत्ते भगवन पदाब्जम। कहीं भी चले जाओ, किसी संप्रदाय में चले जाओ, किसी स्थान में चले जाओ, देह के अनुबंधियों और गेह के अनुबंधियों को ही पाओगे तुम। इसी कारण भेद होता है उनमें आपस में। यही चीज अलगाव कर देती है, और अलगाव बहुत दूर, अनंत दूर कर देती है भगवान से, सत्संग से, गुरुजनों से, लेकिन छोड़ेगा नहीं वो, चाहे वो प्राण चले जाएं, दुष्ट आग्रह नहीं छोड़ता। तो इसलिए
ऐसा ज्ञान जिसमें ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान ये तीनों लुप्त हो जाएं, उसको निरंजन ज्ञान कहते हैं। ऐसा ज्ञान भी ब्रह्म से एकाकारता ज्ञान हो गया है, लेकिन उसकी भी शोभा नहीं होती है यदि भगवान, जैसे श्लोक आता है गर्भस्तुति में, दशम स्कंद में, ये नियर बिंदाक्ष विमुक्त मानिनस त्वयस्त भावाद, 32वां श्लोक है, 10:2:32, हे कमलनयन, बहुत से लोग अपने को ज्ञानी समझ लेते हैं, हम मुक्त हो गए हैं, और इस अहम भाव में आपके नाम रूप गुण लीला की अवहेलना करते हैं। त्वयि अस्त भावाद अविशुद्ध बुद्धयः, क्योंकि उनकी बुद्धि शुद्ध नहीं है, यही सोच रहे हैं कि भगवान निराकार रहता है, निराकार है कि साकार है, इसी में घपले में उनका जीवन बीत जाता है। नमोस्तनंताय अनंत रूपे, उप मंत्र भी बोलते हैं वेदों के कि भगवान के अनंत रूप हैं, लेकिन फिर भी उनका भगवान नाम रूप गुण लीला में विश्वास नहीं होता। क्यों? अवशुद्ध बुद्धि है उनकी, वे आरुई कृच्छ्रेण परम पदम, परम पद पर पहुंच करके भी पतंती, उनका गिराव पतन हो जाता है। क्यों हो जाता है? अनादृत युष्मदंग्रह, आपके चरणों का अनादर किया है। इसलिए नैष्कर्म ज्ञान, शुद्ध अवस्था में ब्रह्म ज्ञान, रंजन ज्ञान। निरंजन ज्ञान ज्ञान क्या है ये समझो, उपाधि रहित ज्ञान। अंजन माने उपाधियां, जैसे हम आंख में अंजन लगाते हो, वो छूटता नहीं है, आंख में लगा रहता है। तो जो उपाधियां हमसे लिपटी हुई हैं, वो सब के सब छूट जाएं तो निरंजन ज्ञान है। कैसे लिपटी हैं, कौन कौन है, इसको समझो। जीव के ऊपर 7 आवरण हैं, शरीर तो पार्थिव है, मिट्टी का बना हुआ है, इसके ऊपर जल का आवरण है, पानी रोम रोम में है, पसीने में पानी, खून में पानी, मलमूत्र में पानी, सब जगह पानी है। दूसरा आवरण है तेज,
तेज क्या है? गर्मी, ऊष्मा। मर गया शरीर, ठंडा हो गया, ये दूसरा आवरण है। तीसरा आवरण है वायु, हवा। नस नस में हवा घुसी भई है। 88 प्रकार के वायु के रोग होते हैं। 4th आवरण है आकाश, छिद्र। आकाश सब जगह है, अणु को तोड़ोगे तो अणु में भी आकाश मिलेगा। आकाश सब जगह है। सबसे छोटा होता है एटम, अणु, उसको भी तोड़ा लोगों ने तो 3 कण मिले, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और वो चक्कर लगाते रहते हैं आकाश में, वही छिद्र में, बड़ी तेज गति से चक्कर लगाते हैं। जल, तेज, वायु, आकाश, ये 4th उपाधि है। 5th उपाधि है अहंकार। जल, तेज, वायु, आकाश, अहंकार। छठवीं उपाधि है महत्तत्व। सातवीं उपाधि है प्रकृति। ये 7 आवरण हैं हम लोगों के ऊपर। ये 7 आवरण हट जाएं तब ज्ञाता, ज्ञेय, ज्ञान, ये सब मिट जाएगा और जाना तो तुम ही हो जाइए। इन 3 उपाधियों से रहित निरंजन अवस्था की सिद्धि होती है। तो कहते हैं व्यास जी या नारद जी कि नैष्कर्म्यमप्यच्युत भाव वर्जितम्। नैष्कर्म ज्ञान यदि निरंजन हो गया, अनुपाधि रहित हो गया, तो भी उसकी शोभा नहीं होती है। भगवान सगुण साकार भगवान के भावों से रहित है। फिर निष्काम कर्म की शोभा कैसे हो सकती है? कुतः पुनः शत स्वत अभद्रमीश्वरे नचार्पितम कर्म यदप्य कारणम। अकारणम मन निष्काम कर्म कर रहा है, भगवान में अर्पित नहीं हुआ, तो उसकी क्या शोभा होगी? कुछ नहीं होगी। अब यहां एक और बात समझ लो, जो ज्ञानी होता है अहम ब्रह्मास्मि की भावना करता है, मैं शरीर नहीं, मैं इंद्रिय नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, पृथ्वी नहीं, जल नहीं, तेज नहीं, 4 कोश हैं, 5 कोश हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, ये 4 कोश हैं,
ये ऊपर अन्नमय कोश है जो दिखाई पड़ रहा है, चश्मा लगा हुआ है, ऐसी नाक, ऐसा आंख, ऐसा कान, ये अन्नमय कोश है। ये स्थूल है, सबको दिखाई पड़ता है। इसके भीतर तीन कोश और हैं, उससे सूक्ष्म शरीर बनता है। अन्नमय कोश से स्थूल शरीर बना, जिसमें मल मूत्र त्याग ये सब क्रिया हम लोग करते हैं, चलते फिरते हैं, सारा व्यवहार करते हैं, ये अन्नमय कोश कर रहा है। इसके भीतर है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर में तीन कोश हैं, कोठरियां हैं, समझ लो अपने मोटी भाषा में, जैसे कोठरियां बनती हैं दीवालों से, वैसे ये स्थूल शरीर है, इसके भीतर सूक्ष्म शरीर है, उसमें तीन कोश हैं, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश। ये तीन कोश हैं, अरे भाई सुन लो बाहर जा करके। अच्छा नहीं, उनकी गलती क्या है, चलो वो तो मशीन है। मशीन को क्या पता है सत्संग हो रहा है। अच्छा ठीक है, हाँ चलो भाई। तो ये स्थूल शरीर तो सब लोग जान रहे हैं, पशु भी जान रहा है, पक्षी भी जान रहा है, सूक्ष्म शरीर को कोई नहीं जानता। सूक्ष्म शरीर में मनोमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश, ये तीन कोश होते हैं। मनोमय कोश क्या है, मन सोचता है, ये सब अलग अलग हैं। जैसे तुम बाजार में गए, हलवाई की दुकान पर देखा बहुत बढ़िया बर्फी है, अच्छा माल है, देख करके इच्छा भई, लेकिन बुद्धि बोली कि पैसा तो है नहीं, चले चलो चुपचाप, इधर देखो भी नहीं, नहीं देखोगे तो फिर बेइज्जती हो जाएगी। एक गप सुनाते हैं, शेख चिल्ली गया किसी हलवाई की दुकान पर और देखा बड़ी मिठाइयां हैं, तो उसने हलवाई से पूछा तुम खाते क्यों नहीं हो, इतना माल सामने है। बोले हम अपनी दुकान का नुकसान करना नहीं चाहते हैं। बोले तू मत चाहे, मैं तो नुकसान चाहता हूं, कहकर के खाने लग गया। तो उसका परिणाम क्या रहा, पिटा। तो वैसे मन अलग है, बुद्धि अलग है, हमने तुमको उदाहरण दिया। मन कह रहा है ये जगह जगह है, ये बहुत सुंदर लड़की है, बुद्धि कहती है इसको मत देखो, सब लोग बैठे हैं क्या कहेंगे, और जब ज्यादा कामी होते हैं वो पकड़ लेते हैं तो पिटते हैं। तो मन अलग है, बुद्धि अलग है, और अहम अलग है,
अहम उसको कहते हैं जिस जहां सुख दुख की अनुभूति होती है, वो अहम होता है। चोर रोज पिटता है दरोगा से, लेकिन चोरी नहीं छोड़ता, क्यों? उसका अहम इतना मजबूत है कि वो हठ जो है अहम का धर्म है। प्रकृति क्रीमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ता हम इति बध्यते। भगवान ने कहा तीसरे अध्याय गीता में 27वें श्लोक में, सबसे ज्यादा मोहन करने वाला अहम है, ये नहीं हटता, ये मूढ़ नहीं विमूढ़ कर देता है। न मां की मानेगा, न बाप की, न गुरु की, न गोविंद की, किसी के नहीं मानता है, क्यों? अहम से विमूढ़ हो गया है। सबसे बड़ा निकृष्ट है अहम। चित्त क्या है? चित्त वहां है जहां संस्कार पड़ते हैं। जैसे तुमने मिठाई खाई और मीठा बड़ी बड़ी अच्छी मिठाई है, संस्कार बन गया, छाप बन गया, अब देखोगे तो उसकी याद आएगी, वो चित्त है भीतर। चिनोति इति चित्तम, संस्कारों को जो चनन चयन करता है वो है चित्त, या चिति संज्ञाने धातु से भी चित्त बनता है। वहीं पर अहम का चैतन्य बॉडी रिसीव करता है, आत्मा का प्रकाश सबसे पहले चित्त रिसीव करता है। जैसे बिजली आई तो सबसे पहले बोर्ड में आई, बोर्ड से फिर पंखों में, इलेक्ट्रिसिटी बल्बों में जगह जगह गई, लेकिन जिस पॉइंट पर बिजली आई थी वो बोर्ड है। वैसे जिस पॉइंट पर इस जड़ प्रकृति ने चेतना को रिसीव किया था वो है चित्त। और अहंकार विमूढ़ात्मा, अहंकारी का चित्त ने चेतना गायब हो जाती है। उसको फायदे की बात कहोगे कि भगवान है, भगवान का भजन करो, नहीं 84 लाख जोने में जाओगे, मरोगे, उसको कुछ समझ में नहीं आता। वो तो ये समझता है ये सब बकबक है। एक कुत्ते से जाके कहोगे कुत्ता राम जी भजन करो तो काट लेगा। वैसे ही जिसके अंदर चेतना नहीं है वो पशु है। चेतना होती है तो समझता है हित को अनहित को। चेतना नहीं है तो स्थूल भोगों को ही भोग समझ करके सुख समझता है। संसार में 99% से ज्यादा लोग इसी चेतना से रहित होने के कारण भगवान से विमुख हैं। ये तीनों कोश सूक्ष्म शरीर में रहते हैं, मनो में कोश, मन,
मनोमय कोश से ऊपर है प्राणमय कोश। प्राण क्या है? इंद्रियों की शक्ति। उससे ऊपर है विज्ञानमय कोश बुद्धि। ये तीन कोश हैं जिन्होंने हमको ढक रखा है। इसके अलावा एक और है अन्नमय मनोमय प्राणमय विज्ञानमय, चार कोश हुए। पांचवा कोश है आनंदमय कोश। जहां पर जीव आनंद आदि की अनुभूति करता है ये पांचवा कोश है। जैसे बड़े सोए, थकान दूर हो गई, आनंदमय कोश है पांचवा कोश, जो गहरी नींद में भी काम करता है। डॉक्टर लोग पागलों को ठीक करने के लिए नींद की गोली देते हैं। जितना सोएगा इसको उतना आनंद मिलेगा, नहीं तो मनुष्य पागल हो जाता है, आत्महत्या कर लेता है। लोग कितने लोग आत्महत्या कर लेते हैं आनंद की कमी से। एक पैसे वाले के यहां डाका पड़ गया, मर जाएगा, क्योंकि वो पैसे को ही सब कुछ मान रखा था। इसी तरह से साधारण लोगों ने भोग को ही सब कुछ मान रखा है। भोग नहीं है तो जीवन में उनका मरना ही समझो, मर जाते हैं लोग, आत्महत्या कर लेते हैं। ये आनंदमय कोश है, पांचवा कोश है। तो अब आओ यहां निरंजन ज्ञान क्या है हम समझा दें। जल का आवरण, तेज का आवरण, वायु का तीन, आकाश का चार, अहम का पांच, फिर उसके बाद महत्तत्व का छह और प्रकृति का सात। ये सात आवरण है जीव के ऊपर। तो जल, तेज, वायु, आकाश, ये तो अहम ब्रह्मास्मि के चिंतन से लुप्त हो जाते हैं। यद्यपि बहुत कठिन है शरीर में रह करके मैं भगवान, मैं ब्रह्म हूं, मैं शरीर नहीं हूं, ये सोचना बहुत कठिन है। भगवान ने गीता में कहा क्लेशो अधिकतरस्तेषाम अव्यक्ता सक्त चेतसाम, बारहवें अध्याय में तीसरा या चौथा होगा अंदाज से, अव्यक्ता ही गतिर दुखम देह वद्भिरवाप्यते। बहुत कठिन रास्ता है शरीर में रहते हुए मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, बुद्धि नहीं हूं, ये बहुत कठिन है सोचना। लेकिन फिर भी अहम तक की उपाधियां, पांच उपाधियां
अहम ब्रह्मास्मि के साधन से धीरे धीरे मिट जाती हैं। यद्यपि इसमें बहुत कष्ट होता है, लेकिन पीछे की जो उपाधियां दो हैं, महत्तत्व और प्रकृति, ये ज्ञान के साधन से मुक्त नहीं होती है, ये भगवान की कृपा से होती है। इसीलिए जो 10:43 गर्भस्तुति में जो हमने बताया था, परम पद पर पहुंचकर भी मनुष्य गिर जाता है, भगवान का अनादर किया, उनके चरणों को और उससे उसका पतन हो गया, भक्त का पतन नहीं होता है। तथा नते माधवताव का क्वचित, स्पष्ट कहा है गर्भस्तुति में, हे माधव, वहीं 33वां श्लोक है, ये निर्विंदाक्ष तो 32वां था, 10:32 इसमें ज्ञानी परम पद पर पहुंचकर गिर जाता है, भक्त नहीं गिरता। तथा नते माधव ताव का क्वचित भ्रश्यंती मार्गा त्वयि बद्ध सौहृदा, गीता से बताया, भागवत से बताया, और रामायण से भी समझ लो, माया तो दूसरी चीज है, बहुत आगे की चीज है। काम क्रोध को भी मनुष्य बिना भगवान की भक्ति के नहीं जी सकता। अरण्य कांड में नारद और राम का संवाद हुआ है, नारद जी जाते हैं और भगवान से पूछते हैं कि महाराज, आपने हमारा ब्याह नहीं करने दिया, जब हम चाहते थे विश्व मोहिनी को आप विवाह करके दे गए और हमारा विवाह नहीं होने दिया। तो उसका कारण क्या है? तो नारद जी को उत्तर दिया है भगवान ने कि मैं मां हूं तुम्हारी ना, सुनी मुनि तो ही कहो सहरोसा, क्या संख्या है भाई है? हाँ 42 के नीचे। तब विवाह मैं चाहूं कीना, प्रभु के ही कारण करे न दीनी दीना।
समय हो गया इसलिए आज इस प्रसंग को आज नहीं कहेंगे। तोड़ की बात यह है, जन ही मोर बल निज बल ताही, दू कह काम क्रोध रिपुमाई। हमारा भक्त जो भजन करता है वो तो काम क्रोध को जीत लेता है, क्योंकि मेरी शक्ति होती है, और जो मेरा आश्रय नहीं है वो काम क्रोध को खा जाते हैं। जन ही मोर बल और निज बलता ही, और जो भक्तिहीन है वो अपने बल से लड़ता है। तू कहाँ काम क्रोध रिपु आई, अस विचार पंडित मोहि भजही, पायो ज्ञान भजहू भजन भक्ति नहीं तजही। ये प्रसंग रह गया उपाधियों का, कल बताएंगे।